बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, शिक्षा दर्शन। जी हाँ, पढ़ाई के साथ मस्ती भी। यह शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा बच्चों को टीवी के माध्यम से पढ़ाई का अपना एक अनूठा रोचक कार्यक्रम डीडी राजस्थान पर प्रसारित किया जा रहा है, जिसे सभी डीटीएच व केबल नेटवर्क के माध्यम से देखा जा सकता है। नाम है शिक्षा दर्शन। इसके अंतर्गत आप कक्षा 1 से 12 तक वीडियो के माध्यम से अध्ययन कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में आपको घर बैठे सप्ताह के प्रथम 5 दिन सभी विषयों की विषय वस्तु अत्यंत रोचक तरीके से समझाई जाएगी, तथा प्रत्येक शनिवार को विभिन्न क्षेत्रों जैसे करियर, क्राफ्ट, कला, जीवन कौशल से संबंधित जानकारी के साथ साथ मनोरंजक कहानियों व कठपुतली के खेल का भी आनंद ले सकेंगे। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर के तत्वावधान में इस कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 1 से 12 तक के लिए प्रतिदिन 3.25 घंटे के लिए शैक्षिक प्रसारण किया जा रहा है, जिसमें कक्षा 9 से 10 के लिए 12:30 से 1:30 बजे तक तथा कक्षा 11 एवं 12 के लिए 1:30 से 2:30 बजे तक तथा कक्षा 1 से 5 के लिए 3 से 3:30 बजे तक एवं कक्षा 6 से 8 के लिए 3:30 से 4:15 बजे तक शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित होगा। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 में रसायन विज्ञान विषय में रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं व कक्षा 12 में रसायन विज्ञान विषय में घनीय इकाई कोष्ठिका के प्रकार संकुलन क्षमता SCC। आज की क्लास में बात करने वाले हैं रासायनिक संयोजन के नियम के बारे में, और रासायनिक संयोजन में सबसे पहला जो नियम आता है वो होगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है? शब्द जैसा कि लिखा हुआ है, द्रव्यमान संरक्षण यानी कि द्रव्यमान संरक्षित रहेगा, यानी कि जो द्रव्यमान पहले था वही द्रव्यमान बाद में भी रहेगा। तो रासायनिक, यदि हम बात करते हैं रासायनिक संरक्षण द्रव्यमान संरक्षण के नियम के बारे में, तो इसमें क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, यदि बात की जाए कि ये नियम किसने दिया था, तो सबसे पहली बात याद करनी है आपको, ई लाउसिए ने ये नियम दिया था। फ्रांस के ये एक वैज्ञानिक थे और ये नियम दिया गया था 1789 यानी कि 1789 में। अच्छा जी, यदि हम इस नियम की बात करें तो इस नियम में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, सभी भौतिक व रासायनिक परिवर्तनों में क्रिया में भाग लेने वाले सभी पदार्थों का कुल द्रव्यमान क्रिया के पश्चात बनने वाले सभी पदार्थों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी कि जो अभिकारक का द्रव्यमान होगा वही क्या होगा, उत्पाद का द्रव्यमान होगा। रिएक्शन की हम बात करें अभिक्रिया की, तो अभिक्रिया में दो तरह की बातें होती है, ध्यान दीजिएगा। पहला होता है अभिकारक और अभिकारक से क्या बनता है, यहाँ पे उत्पाद बनता है। क्या बनता है भाई मेरे, उत्पाद बनता है। अच्छा जी, अभिकारक से क्या बन रहा है, उत्पाद बन रहा है। यदि हम बात करते हैं तो इसमें आपको देखने को मिलेगा द्रव्यमान संरक्षण के नियम में कि जो द्रव्यमान अभिकारक का था वही द्रव्यमान किसका होगा, उत्पाद का भी होगा। अब आप यहाँ पे दो तरीके से चीजों को देख सकते हैं, एक तो हो सकता है कि उसकी भौतिक अवस्था परिवर्तित हो रही हो, और एक हो सकता है कि शायद वहां पे रासायनिक अभिक्रियाएं भी हो रही हो। मान लीजिए कोई बर्फ का टुकड़ा है, उस बर्फ के टुकड़े का यदि हम वजन करते हैं तो आता है 50 ग्राम। कितना किया मैंने, 50 ग्राम उस बर्फ के टुकड़े को मैंने वहां पे तोला। अच्छा जी, अब उस बर्फ के टुकड़े को यदि हमने 50 ग्राम तोला है, तो उस 50 ग्राम को यदि मैं देखता हूं तो क्या होगा, धीरे 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 पिघलने लगेगा। अब वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर अब ये यहाँ पे ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में यानी कि पानी में बदल जाएगा। अब जैसे ही वो पानी में बदल जाता है तो उसके बाद में आप उसका यदि वजन तोलते हैं तो वो कितना आने वाला है, वो भी 50 ग्राम ही आने वाला है। यानी कि अवस्था कोई सी भी हो, यहाँ पे द्रव्यमान क्या हो गया, संरक्षित हो गया। द्रव्यमान क्या हो गया, यहाँ पे वही है जो पहले था, यानी कि जो ठोस अवस्था में था वही क्या होगा, द्रव अवस्था में भी रहेगा। 50 ग्राम से 51 नहीं होगा और 50 से ये 49 नहीं होगा, ठीक है जी। अब यदि बात करें यहाँ पे, तो एक चीज सामने आनी चाहिए कि सर इसका मतलब हो गया कि पदार्थ जो रहेगा उसको ना तो कभी नष्ट किया जा सकता है, यानी कि जो द्रव्यमान होता है, यानी कि पदार्थ जो होता है उसको ना तो कभी नष्ट किया जा सकता है ना ही उसको बनाया जा सकता है। तो ये बात ध्यान रखनी है, ना तो पदार्थ को नष्ट किया जा सकता है ना ही पदार्थ को उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है जी। आगे बात समझ में। अच्छा जी, अगली हम बात करते हैं यहाँ पे कि सर ये तो किस आधार पे हो गया था, भौतिक अवस्था के आधार पे।
यदि हम अगली बात करना चाहें तो रासायनिक परिवर्तन यदि हो रहे हैं, यानी कि अभिक्रिया में यदि रासायनिक परिवर्तन हो रहे हैं तो उनको किस तरह से देखा जाएगा। मान लीजिए आपके पास में एक फ्लास्क, यहाँ पे फ्लास्क रखा हुआ है, उसमें NaCl यहाँ पे रखा हुआ है, उसमें हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे NaCl डाला हुआ है, ठीक है जी। और मैंने यहाँ पे क्या किया, ऊपर एक और फ्लास्क रखा छोटा वाला, उसमें मैंने क्या रखा हुआ है, AgNO3 यहाँ पे रखा हुआ है, AgNO3 मैंने रखा हुआ है। अच्छा जी, अब मैं क्या कर रहा हूँ AgNO3 और NaCl, मान लीजिए AgNO3 है यहाँ पे 5 ग्राम और NaCl है कितना, 20 ग्राम। AgNO3 कितना है, 5 ग्राम, और जो NaCl है वो कितना है, 20 ग्राम। तो आप देखेंगे कि सर जो AgNO3 और NaCl के यदि टोटल वजन को हम देखते हैं, टोटल द्रव्यमान को यदि हम देखते हैं तो वो कितना आएगा, तो आप बोलेंगे सर 5 + 20 टोटल कितना हो गया, 25 ग्राम हो गया। पक्की बात है, टोटल कितना ग्राम हो गया, 25 ग्राम। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे रासायनिक क्रिया करा रहा हूँ। वो रासायनिक क्रिया कैसे होगी, ध्यान दीजिएगा, जो ऊपर यहाँ पे AgNO3 वाला फ्लास्क था उसको हमने क्या किया है, जो NaCl वाला फ्लास्क है उसमें उसको मिला दिया, यानी कि AgNO3 को हम किस में मिला रहे हैं, NaCl में मिला रहे हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे AgNO3 को NaCl में मिलाऊंगा तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि केमिकल रिएक्शन होने के बाद में जो यहाँ पे बॉटम जो रहेगा वहां पे क्या होगा, एक श्वेत अवक्षेप वहां पे आपको मिलेगा, यानी कि व्हाइट PPT मिलेगी। और वो किस फॉर्म में मिलेगी, तो आप देखेंगे AgCl उसे बोला जाएगा, यानी कि वो क्या होगा, AgCl होगा। तो आप देख सकते हैं NaCl को जब मैंने AgNO3 में मिलाया, तो यानी कि दोनों को जब हमने एक दूसरे में मिलाया तो वहां पे मुझे क्या मिला है, AgCl मिला है, यहाँ प्लस लगा लेना, AgCl मिला है। और AgCl के बाद में ये निशान कहीं का है, यदि हम इस तरह का निशान किसी रासायनिक अभिक्रिया में लगाते हैं तो उसका मतलब होता है श्वेत अवक्षेप, जो कि पेंदे पर यानी कि बॉटम पे वहां पे जमा हुआ है, ठीक है जी। और हमें और क्या मिल रहा है, NaNO3 मिल रहा है। अब जब मैंने इसका पहले वजन किया था तो टोटल कितना आ रहा था, तो आप बोलेंगे सर 25 ग्राम। अब जैसे ही मैं यहाँ पे इन उत्पादों का टोटल वजन, यानी कि टोटल जो इसका द्रव्यमान यदि हम करते हैं, इसके द्रव्यमान को यदि हम कैलकुलेट करते हैं तो वो भी कितना आने वाला है, वो भी 25 ग्राम ही आने वाला है। इसका मतलब ये हो गया कि सर भौतिक परिवर्तन हो या फिर रासायनिक परिवर्तन हो, द्रव्यमान हमेशा संरक्षित रहेगा, यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम हर जगह पे लग जाएगा, ठीक है जी। और द्रव्यमान संरक्षण के नियम को किसी रासायनिक अभिक्रिया से हम यहाँ पे उसको उसकी पुष्टि नहीं कर सकते हैं। द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि सिर्फ और सिर्फ किससे होती है, एक्सपेरिमेंट से उसकी पुष्टि होती है, ठीक है जी। तो आपके दिमाग में यदि गलतफहमी हो कि रासायनिक जो द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है वो किससे लिया गया है, अभिक्रियाओं से लिया गया है, नहीं, ये जो यहाँ पे पुष्टि की गई है वो एक्सपेरिमेंट के थ्रू की गई है, और एक्सपेरिमेंट के थ्रू की गई पुष्टि जो है द्रव्यमान संरक्षण की, उसी को किसमें अप्लाई किया गया है, अभिक्रियाओं में उसको अप्लाई किया गया है, ठीक है जी। तो ध्यान रखिएगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम भौतिक परिवर्तन हो रासायनिक परिवर्तन हो हमेशा क्या होगा, संरक्षित होगा, यानी कि हमेशा उसकी पुष्टि होगी। तो यह सप्ताह किसके बारे में, रासायनिक संयोजन के पहले नियम यानी कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के बारे में। द्वितीय नियम कौन सा है, स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात से आपको पता चल रहा होगा, स्थिर अनुपात यानी कि वह यौगिक जिसका अनुपात यानी कि उसके परमाणुओं का जो अनुपात है वो क्या है, स्थिर है। यदि मैं बात करता हूँ स्थिर अनुपात नियम की, तो इसमें यह बताया गया है कि यौगिक जो होता है, यौगिक कोई सा भी हो वह किसी भी विधि द्वारा बनाया गया हो, हमेशा जो उसके परमाणुओं का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, स्थिर होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था, जोसेफ प्रोस्ट ने दिया था, और वो दिया था सन 1799 में। अच्छा जी, यदि हम बात करें यहाँ पे, तो किसी शुद्ध यौगिक के नमूने में तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात, तत्वों में द्रव्यमान का अनुपात की हम बात कर लें या फिर परमाणुओं के अनुपात की बात कर लें, बात सेम है, ठीक है जी। यदि हम देखते हैं वहाँ पे, तो वो स्थिर रहता है चाहे यौगिक किसी भी विधि या स्रोत से बना हो। यदि उदाहरण के लिए मैं लेना चाहूँ, H2O, H2O यानी कि जल। अच्छा जी, जल की यदि हम बात करते हैं
तो जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, पहली क्लास में भी हमने देखा था कि जल को हम किसी भी विधि द्वारा बना लें, जल चाहे झील का हो, जल चाहे कुएं का हो, जल चाहे नाले का हो, जल चाहे सागर का हो, कहीं का भी जल लेकर के आ जाएं, हमेशा उसमें क्या होगा, दो तो हाइड्रोजन होंगे और एक ऑक्सीजन होगा। यदि मैं बात करना चाहूँ यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रेशियो की, यदि मैं बात करना चाहूँ यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अनुपात की, तो आप बताइए मुझे परमाणु का अनुपात क्या आएगा। परमाणु का यानी कि परमाणुओं का जो अनुपात यानी कि जो रेशियो होगा वो क्या आएगा। तो आप बोलेंगे सर हाइड्रोजन कितने परमाणु हैं, तो आप बोलेंगे सर दो परमाणु हैं, और ऑक्सीजन के कितने परमाणु उपस्थित हैं, तो एक परमाणु यहाँ पे उपस्थित है। इसका मतलब ये हो गया कि परमाणुओं का जो अनुपात है हमेशा कितना रहने वाला है, दो अनुपात एक ही रहने वाला है। लेकिन यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे द्रव्यमान की, किसकी बात कर रहा हूँ आप, द्रव्यमान की, तो द्रव्यमान में आप देखेंगे हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर 1 amu, तो दो का कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 2 amu। अच्छा जी, दो ये हो गया, और ऑक्सीजन का कितना होता है, तो आपके दिल से आवाज आनी चाहिए सर 16 होता है, 16 यहाँ पे कर लेंगे। यदि मैं इस रेशियो को सरल अनुपात में बनाता हूँ तो ये कितना आ जाएगा भाई मेरे यहाँ पे, 1:8 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो यहाँ पे द्रव्यमान का अनुपात है वह कितना आया, 1:8। अच्छा, परमाणुओं का अनुपात कितना आया, 2:1। तो आप चाहे किसी भी विधि से जल बना लो, आप चाहे कहीं से भी जल लेकर के आ जाओ, हमेशा ये अनुपात क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। और यही क्या है मेरे भाई, स्थिर अनुपात का नियम है, पक्की बात है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे शुद्ध जल को किसी भी विधि से बनाया जाए, चाहे उसको कहीं से भी लेके आ जाया जाए, कुआ हो, नदी हो, झील हो, समुद्र हो, कहीं से भी प्राप्त कर लें, यदि उसमें हम देखते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों का, तो उनके द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है, हमेशा 1:8 उनके द्रव्यमान का अनुपात होता है, जो कि हमने भी निकाल लिया था। ठीक है जी, यदि इसके परमाणुओं के अनुपात की बात पूछ ले, तो परमाणुओं का अनुपात कितना होता है, 2:1 इसके परमाणुओं का अनुपात होता है। अच्छा, इसी प्रकार से आप देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की यदि हम बात करते हैं यहाँ पे, तो क्या होता है भाई मेरे, CO2 होता है। अच्छा जी, कार्बन डाइऑक्साइड में आप मुझे बताइए कि कार्बन और ऑक्सीजन में द्रव्यमान का जो अनुपात है वो क्या है, तो आप बोलेंगे सर कार्बन एक है और एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा, 12, तो यहाँ पे लिखेंगे भाई मेरे कितने, 12। अच्छा जी, यदि मैं बात करता हूँ ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन कितने हैं, 2 ऑक्सीजन है, इसका मतलब कितना आ गया, 1:16, 2 का कितना हुआ, 32। अच्छा जी, दिल कर रहा है कि सर इसको यहाँ पे सरल अनुपात कर दें, बिल्कुल कर सकते हो। यदि हम काटते हैं 4 से, तो कितनी बार कटा है, 3 बार, और ये कितनी बार कटेगा, 8 बार। यानी कि जो द्रव्यमान का अनुपात आना चाहिए भाई मेरे, वो कितना आना चाहिए, 3:8 यहाँ पे आना चाहिए, और 3:8 ही हमें यहाँ पे मिला है। तो आप देख सकते हैं कि द्रव्यमान का जो अनुपात रहेगा वो कितना रहेगा, 12:35 या फिर 3:8। ठीक है, पक्की बात है। यानी कि यहाँ पर भी क्या हो रहा है, स्थिर अनुपात का नियम लागू हो रहा है। चाहे CO2 में प्रकृति से प्राप्त करूं या CO2 को प्रयोगशाला में बनाया जाए, हमेशा जो द्रव्यमान का अनुपात रहेगा वो क्या रहने वाला है, स्थिर रहने वाला है। तो ये था क्या, स्थिर अनुपात का नियम, रासायनिक संयोजन का दूसरा नियम। यहाँ पे गुणित अनुपात के नियम के बारे में, यदि गुणित अनुपात के नियम की बात करें, तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू इसको समझाना चाहूँगा। देखिएगा, आपके सामने मान लीजिए H2O है, क्या है, H2O, और आपके पास में H2O2 भी है, क्या क्या है, H2O और H2O2। आपको पता होगा H2O बोले तो जल, H2O2 बोले तो हाइड्रोजन परऑक्साइड। अच्छा जी, यहाँ पे मैं बात करना चाहता हूँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान के अनुपात की, तो आपके दिल से आवाज़ आनी चाहिए सर, यदि मैं जल की बात करता हूँ तो जल में देखिए एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर 1:2 है, तो कितना हो जाएगा, 2, तो 2 यहाँ पे लिख दिया। अच्छा जी, ऑक्सीजन कितनी है, तो आप बोलेंगे सर 1 ऑक्सीजन है, और 1 ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होगा, 16, तो 16 हमने यहाँ पे लिख दिया। अच्छा जी, यदि मैं इसको काटना चाहूँ, सरल अनुपात बनाना चाहूँ, तो ये कितना बनेगा भाई मेरे यहाँ पे, 1:8 बनेगा। अरे हाँ के नहीं, पक्की बात है। चलो जी, अब इस पे आ जाओ, यहाँ पे ये कितना है, 2, और ये कितना रहेगा भाई मेरे यहाँ पे, 32 रहेगा। अच्छा जी, यदि मैं इसको काटना चाहूँ तो कितना आ जाएगा भाई मेरे यहाँ पे, 1:16। अब यहाँ पर गुणित अनुपात का नियम कैसे लागू होता है, अब ध्यान दीजिएगा। यदि गुणित अनुपात के नियम की हम बात करें, तो इसे दिया किसने था, डाल्टन ने इसे दिया था सन 1803 में, लेकिन इसको सत्यापित किसने किया था, तो आपको ध्यान रखना है बर्जीलियस, वैज्ञानिक थे एक बर्जीलियस, उन्होंने इसके वह किया था, सत्यापित किया था। अच्छा जी,
अब गुणित अनुपात को समझने का सबसे बढ़िया तरीका देखो, जिस तरह से डेफिनेशन लिखी हुई है और जो एग्जांपल लिखा हुआ है, दोनों को रिलेट करके हम चीजों को यहां पे देखेंगे। देखो भाई, जब दो तत्वों को आपस में मिलाकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो दो तत्व, तत्व बोले तो एलिमेंट, कौन से दो तत्व मैंने यहां पे यूज कर रखे हैं, तो आप बोलेंगे सर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपने यूज कर रहे हैं, इसके अलावा आपने कोई भी यहाँ पे यूज नहीं कर रखा। यानी कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलके पहला तत्व तो कौन सा बना, H2O, दूसरा कौन सा बन गया भाई मेरे यहाँ पे H2O2 बन गया। अच्छा जी, अब देखना क्या बोलना चाह रहा है, जब दो तत्व आपस में मिलकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तब एक तत्व के द्रव्यमान जो दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं, निश्चित द्रव्यमान, इस चीज को आप ध्यान रखना, ठीक है जी। आप मुझे एक बात बताओ, दोनों जो तत्व हैं उसमें कौन सा तत्व ऐसा है जिसके द्रव्यमान जो है वो निश्चित हैं? तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि सर जो हाइड्रोजन है उसका द्रव्यमान शायद निश्चित है, क्यों? क्योंकि रेशियो कितना आ रहा है भाई यहाँ पे, दो दो, और देखा जाए तो यहाँ पे ये कितना आ गया, आप देखेंगे इसको तो ये कितना आ रहा है भाई मेरे, एक, और ये कितना आ गया, एक। यानी कि यहाँ पे निश्चित द्रव्यमान किसका है, तो आप बोलेंगे सर हाइड्रोजन का निश्चित द्रव्यमान है। तो फिर से पढ़िएगा, जब दो तत्व आपस में मिलकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तब एक तत्व के द्रव्यमानों जो दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमानों से संयोग करते हैं में एक सरल अनुपात में होते हैं। तो जो निश्चित वाला है, जो निश्चित वाला हाइड्रोजन है उसके साथ में दो अलग अलग ऑक्सीजन, यानी कि एक तो सिंगल ऑक्सीजन और एक O2, दोनों अलग अलग क्रिया कर रहे हैं। यदि मैं इनके अनुपात को देखता हूं, यदि मैं यहाँ पे ऑक्सीजन और O2 के अनुपात को देखता हूं तो कितना आएगा भाई मेरे यहाँ पे, 8:16, बोले तो 1:2। तो इसका मतलब क्या हो गया सर, ये जो हमें यहाँ पे मिलेगा ना, ये क्या मिलेगा, एक पूर्णांक मिलेगा, ये दशमलव में आपको नहीं मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी दो तत्वों के हम यहाँ पे दो यौगिक बनाते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, जो निश्चित अनुपात के अलावा जो दूसरे वाले जो यहाँ पे तत्व रहेंगे उनका जो रेशियो होगा वो भी मुझे क्या मिलने वाला है, एक सरल अनुपात मिलने वाला है। यानी कि एक मुझे वहाँ पे सिंपल रेशियो मिलेगा। यही क्या है, गुणित अनुपात का नियम है। यानी कि यहाँ पे जब हम देखेंगे ऑक्सीजन और O2 की बात करेंगे तो जो उनका अनुपात आएगा वह दशमलव में ना आकर के वो क्या आएगा, सरल अनुपात ही आएगा। तो ये था किसके बारे में, गुणित अनुपात के नियम के बारे में। रासायनिक संयोजन के नियम की श्रेणी में चौथा नियम गैसीय आयतन का नियम। गैसीय आयतन का नियम क्या होता है इसके बारे में देखिए, यदि गैसीय आयतन के नियम की हम बात करते हैं तो आपको शब्दों से ही पता चल रहा होगा, गैस के आयतन का नियम। यानी कि जब भी इस नियम की बात करेंगे तो ये कहाँ पर अप्लाई होगा, कहाँ पर लगेगा, जहाँ पर गैसीय रासायनिक समीकरण चल रही है। यदि बात करें यहाँ पर गैसीय आयतन, अब आयतन से क्या तात्पर्य है, आयतन से तात्पर्य ये है जब एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं तब जाकर ही वहाँ पे कोई ना कोई कथन या फिर कोई ना कोई फैक्ट वहाँ पे हम देते हैं। जब एक्सपेरिमेंट किए गए थे रसायन विज्ञान में तब वहाँ पे क्या देखा गया, सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया गया, मान लीजिए HCl का कोई एक्सपेरिमेंट किया गया है। अब इसमें उन्होंने क्या देखा, देखिएगा यदि इसकी हम बात करते हैं तो उन्होंने देखा कि H2 और Cl2 को मिलाने से क्या प्राप्त होता है, HCl प्राप्त होता है। तो उन्होंने देखा यदि मैं 100 ml H2 लेता हूँ, H2 गैस लेता हूँ, और 100 ml Cl2 गैस लेता हूँ तो उससे मुझे क्या मिल रहा है, उससे मुझे 200 ml क्या मिल रहा है भाई मेरे यहाँ पे, HCl मुझे मिल रहा है। यहाँ पे देखा गया कि 100 ml यदि हम H2 गैस लेते हैं और Cl2 कितना लेते हैं, 100 ml लेते हैं, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, 200 ml क्या मिलेगा भाई मेरे, HCl मिलेगा। यानी कि कहने का मतलब यह है कि 200 ml प्राप्त करने के लिए 100 ml H2 और 100 ml क्या चाहिए मुझे, Cl2 चाहिए। यदि हम देखते हैं, यदि मैं इन संख्याओं को किसी एक विशिष्ट संख्या से गुणा कर देता हूँ, मान लीजिए मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, 400 ml क्या चाहिए भाई मुझे यहाँ पे HCl चाहिए। तो मैं अब क्या करूँगा यहाँ पे, यदि मुझे इसकी दुगनी मात्रा चाहिए तो मुझे इनकी भी क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पे दुगनी मात्रा यहाँ पे लेनी पड़ेगी। अब यहाँ पे क्या देखा गया, यहाँ पे एक बात देखी गई, सर यदि हम इनको यहाँ पे सोल्व करते हैं तो देखिएगा, यदि मैं इनको यहाँ पे सोल्व करता हूँ तो कितना आएगा, 20 से 20 यहाँ भी ख़त्म, यहाँ भी ख़त्म, यहाँ भी ख़त्म, अनुपात कितना आ गया, 1:1:2 यहाँ पे इनका अनुपात आ गया। यानी कि जो अनुपात है
वो कितना आया, 1:1:2। क्या ये आपका सरल अनुपात मिला है क्या? बिल्कुल सही बात है। तो यही यहाँ पे क्या बोलता है, गैसीय आयतन का नियम बोलता है। इस नियम के अनुसार प्रयोग किए गए वो उत्पन्न किए गए, कौन से प्रयोग किए गए वो उत्पन्न किए गए गैसों के आयतन जब ताप व दाब की समान परिस्थितियों में मापे जाते हैं तो ये क्या होते हैं, एक सरल अनुपात में प्रदर्शित होते हैं, यानी कि सरल अनुपात में ये आते हैं। अब यहाँ पे एक बात देखी गई कि सर यदि हम बार बार देखना चाहें तो क्या हर समीकरण के लिए क्या ऐसा ही करेंगे क्या? जैसे कि मान लीजिए अगली इक्वेशन आपके सामने दी हुई है, जल बनने के समीकरण। जल बनने की अभिक्रिया में आपको पता है क्या क्या यूज़ किया जाता है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। तो आप देखते हैं यहाँ पे यदि मैं 200 ml यदि मैं H2 लेता हूँ, 100 ml यदि मैं O2 लेता हूँ, तो उससे मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, 200 ml क्या मिल जाएगा मेरे भाई, H2O मिल जाएगा। ये यहाँ पे जो किए गए हैं ये प्रयोग हैं, यानी कि जो ये आपको मैं बता रहा हूँ ये क्या है, यहाँ पे भाई मेरे एक्सपेरिमेंट किए गए थे उनके आधार पे ये वाली मात्राएं यहाँ पे डिसाइड की गई थी। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि इनका भी अनुपात कितना निकल के आएगा, 2:1:2, यानी कि ये अनुपात भी क्या है यहाँ पे, एक सरल अनुपात हमारे सामने आ गया। अच्छा, लेकिन यदि हम बात करते हैं यहाँ पे कि सर बार बार क्या ऐसा ही करने की हमें आवश्यकता है क्या, ऐसा करने की बार बार आवश्यकता पड़ेगी क्या, बार बार अनुपात को काटेंगे और फिर जाकर के उनका सरल अनुपात लिखेंगे, क्या इसको सीधा सीधा नहीं बताया जा सकता क्या? तो यहाँ पे देखा गया जैसे ही एक्सपेरिमेंट की बात होती है तब जाकर के यहाँ पे कोई ना कोई फैक्ट बनता है, कोई ना कोई कथन यहाँ पे रसायन विज्ञान में बनता है। यानी कि पहले क्या होगा, पहले एक्सपेरिमेंट होगा, बाद में उसका फैक्ट वहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है जी, बहुत जगह आप पढ़ लेंगे कि सीधा सीधा उन्होंने क्या किया, जो रस समीकरण मिति गुणांक है उससे इसको रिलेट कर दिया। लेकिन रस समीकरण मिति गुणांक तो बाद वाली चीज़ है, पहले क्या किया गया है, यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया है, एक प्रयोग किया गया है। अब यदि मैं देखता हूँ कि यदि इस रासायनिक समीकरण को देखा जाए तो अभी क्या है, ये संतुलित नहीं है। लेकिन यदि मैं इसको संतुलित करता हूँ तो आप देखिएगा H2+Cl2 कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पे मेरे twice HCl आ गया। क्या अब ये अभिक्रिया संतुलित है क्या? आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अब इनके जो रस समीकरण मिति गुणांक है उनका अनुपात कितना आ रहा है, तो आप बोलेंगे सर 1:1:2, पक्की बात है। अच्छा जी, अगले क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे यदि इनको मैं देखता हूँ तो ये किस तरह से होगा, यदि मैं यहाँ पे 2 लगा दूँ तो देखो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, 2 2 4, पक्की बात है, और ऑक्सीजन भी यहाँ पे बैलेंस मेरा हो गया। अब यहाँ पे यदि मैं रस समीकरण मिति गुणांक का अनुपात देखना चाहूँ तो कितना आ रहा है, 2:1:2 यहाँ पे ये आ रहा है। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि सर यदि रस समीकरण मिति गुणांक की बात करें तो शायद ये यहाँ पे इससे मैच कर रहा है, जो एक्सपेरिमेंट के थ्रू यहाँ पे बात बोली गई थी कि 100 ml इसका लो, 100 ml इसका लो, 200 ml इसका प्राप्त होगा, वो हमें सीधी किससे पता चल रही है, रस समीकरण मिति गुणांक से। यानी कि ये कहना सही होगा कि एक्सपेरिमेंट से क्या यहाँ पे प्राप्त हुआ है मुझे, रस समीकरण मिति गुणांक, यानी कि जो रस समीकरण मिति गुणांक है वो किसके आधार पे दिया गया है यहाँ पे, एक्सपेरिमेंट के आधार पे। यानी कि जो पुष्टि करेगा इसकी वो रस समीकरण मिति गुणांक नहीं करेगा, पुष्टि कौन करेगा, पुष्टि तो एक्सपेरिमेंट ही करेगा। ठीक है जी, यानी कि फैक्ट बाद में दिया गया है। तो हमने देखा कि जो ये अनुपात आ रहा है वो किससे यहाँ पे मैच कर रहा है, तो ये यहाँ पे उनके आयतन के अनुपात से मैच कर रहा है। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कि 2:1:2 आया, तो वो भी यहाँ पे क्या बन गया भाई मेरे, ये वाला अनुपात बन गया। अच्छा जी, अब यदि इसकी बात की जाए तो यहाँ पे अब मुझे एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि सर ये वही आ रहा है जो यहाँ पे रासायनिक, जो इसका रस समीकरण मिति गुणांक होगा। अब देखो यदि मैं इसको यहाँ पे सोल्व करना चाहूँ, यदि इसको संतुलित करना चाहूँ तो क्या आएगा, N2+ कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 लिख दूँ। ठीक है जी, अब एक बार करके देख लो और यहाँ पे लगा दो कितना भाई मेरे, 2। तो अब देखो यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 6 है, हाइड्रोजन यहाँ पे भी 6 है। यानी कि अब जो अनुपात आया है वो कितना है, 1:3:2 यहाँ पे ये अनुपात आ गया, पक्की बात है। यानी कि आज के बाद ये बात बोली जा सकती है कि जो इनका सरलतम अनुपात रहेगा वो कितना आ जाएगा, 1:3:2 आ जाएगा, यदि हम बात करते हैं NH3 बनाने की। ठीक है जी, हो सकता है कि एक्सपेरिमेंट में कितना लिया गया हो, 100 ml लिया गया हो, या 300 ml लिया गया हो, और यदि इसकी बात करें NH3 की तो ये कितना बना हो, 200 ml बन गया हो। ये शायद आपको रस समीकरण मिति की, जो आगे जब हम पढ़ेंगे रस समीकरण मिति की बात हम करेंगे तो वहाँ पे ये वाली चीज़ काम आएगी। कैसे, देखिएगा यदि कोई आपको बोलता है किसी जगह किसी कंपनी में आप काम करते हैं, वो आपको बोल दे कि पानी बनाना है कितना, 200 ml आपको पानी बनाना है, तो आप उसे पर्ची पे क्या सामान लिख करके देंगे, तो आप बोलेंगे सर एक काम करो 200 ml तो क्या लेके आ जाओ,
H2 गैस लेकर के आ जाओ, और 100 ml क्या लेके आ जाओ भाई मेरे यहाँ पे O2 गैस लेकर के आ जाओ। यानी कि ये यदि मिला दिया आपने तो वहाँ पे आपका कितना पानी बन जाएगा, 200 ml वाटर आपका बन जाएगा। यदि 400 चाहिए तो आप उस मात्रा को वहाँ पे डबल कर सकते हैं, और 100 चाहिए तो उसको आप आधा कर दो। वो डिपेंड करता है कि कितना मुझे यहाँ पे पानी चाहिए, ठीक है जी। तो गैसीय आयतन के नियम में हमने देखा कि जो यहाँ पे मुझे इनका जो अनुपात मिल रहा है, इनके आयतन का जो अनुपात मिल रहा है वो क्या है भाई मेरे यहाँ पे, सरलतम पूर्णांक है, यानी कि सरलतम अनुपात है यहाँ पे, ठीक है जी। तो ये था क्या, गैसीय आयतन का नियम। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत आपने कक्षा 9वीं कक्षा 10वीं में विज्ञान में पढ़ा होगा, जिसमें आपके सामने एक लाइन लिखी रहती थी कि जो भी यहाँ पे पदार्थ होता है, जो भी पदार्थ होता है वो किससे मिलकर बना हुआ होता है। तो आप बोलेंगे सर परमाणुओं से मिलकर बना हुआ होता है, और परमाणु जो है वो क्या है, अविभाज्य कण है। लेकिन ये कब तक थी ये वाली थ्योरी, ये वाला सिद्धांत तब तक था जब तक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी। यानी कि इनके पहले तक की यदि हम बात करें, इलेक्ट्रॉन के खोज के पहले तक की, तब तक क्या था कि परमाणु एक अविभाज्य कण था। यानी कि पदार्थ की सबसे छोटी इकाई देखी जाए, पदार्थ को यदि अंदर से तोड़ा जाए तो उसमें सबसे छोटी जो इकाई रहेगी वो क्या निकलेगी, परमाणु। यानी कि परमाणु को और ज़्यादा आप तोड़ नहीं सकते, परमाणु ही सबसे सूक्ष्मतम इकाई रहेगी। तो यहाँ पे डाल्टन ने क्या बताया, डाल्टन के अनुसार द्रव्य जो है, द्रव्य बोले तो पदार्थ, द्रव्य की हम बात करें तो द्रव्य को क्या बोला जाता है, पदार्थ, या फिर इसे बोला जाता है मैटर। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ होता है, ये कण अविभाज्य होते हैं। क्या होते हैं भाई मेरे, ये अविभाज्य होते हैं, यानी कि हम इनको और ज़्यादा विभाजित नहीं कर सकते, यानी कि इसके परमाणु के टुकड़े किए नहीं जा सकते। लेकिन ये थ्योरी के बाद में, इस वाले सिद्धांत के बाद में इलेक्ट्रॉन की जब खोज हुई तब पता चला कि नहीं, परमाणु जो है उसको विभाजित किया जा सकता है, परमाणु अविभाज्य नहीं है, ठीक है जी। तो इसमें देखिए, किसी तत्व के सभी परमाणु के द्रव्यमान एवं गुणधर्म समान होते हैं, बिल्कुल सही बात है। कोई भी तत्व रहेगा उसके जितने भी परमाणु रहेंगे, कोई भी तत्व है उसके अंदर जितने भी परमाणु रहेंगे, उन सब के जो गुणधर्म होंगे और उन सब के जो द्रव्यमान होंगे वो सब क्या होंगे भाई मेरे, बराबर रहेंगे, उनमें कोई भी अलग अलग नहीं रहेगा। यदि एक का द्रव्यमान एक्स है तो दूसरे का भी एक्स होगा, उसमें बहुत सारे परमाणु रहेंगे, बहुत सारे परमाणु, उन सब का द्रव्यमान कितना होगा, एक्स ही रहेगा। अच्छा जी, अगली हम बात करें, एक से अधिक तत्वों के परमाणु निश्चित अनुपात में संयोग करके यौगिक का निर्माण करते हैं। एक से अधिक परमाणु निश्चित अनुपात में संयोग करके, फिर से एक बात आ गई यहाँ पे, निश्चित अनुपात, क्या है यहाँ पे, निश्चित अनुपात। एक से अधिक तत्वों के परमाणु, जैसे कि हमने बात की थी यहाँ पे क्या, H2O की, तो H की यदि हम बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन कितने हैं, तो आप बोलेंगे दो। ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन कितने हैं, एक। यानी कि ये क्या है, एक निश्चित अनुपात है, और ये अलग अलग तत्वों का निश्चित अनुपात है, यानी कि अलग अलग तत्वों के परमाणुओं का ये क्या है, निश्चित अनुपात है। अच्छा जी, तो ये क्या करेंगे, यौगिक का निर्माण करते हैं, इसलिए हमने इसको क्या बोला था, H2O क्या है यहाँ पे, एक यौगिक है। अच्छा जी, अगले हम बात करते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं को न तो बनाया जा सकता है और ना ही उन्हें नष्ट किया जा सकता है। अच्छा जी, न ही उन्हें नष्ट किया जा सकता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम आपको यहाँ पे याद आ रहा होगा, वहाँ पर भी शायद यही वाली बात लिखी हुई थी कि द्रव्यमान को न तो नष्ट किया जा सकता है, यानी कि पदार्थ को न तो नष्ट किया जा सकता है, न ही उसे बनाया जा सकता है। जिस प्रकार से ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत होता है, उसी प्रकार से द्रव्यमान संरक्षण का भी सिद्धांत है, और वही कहाँ पे एप्लीकेबल, यानी कि अप्लाई होगा, वो होगा डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में डाल्टन ने यही बताया है कि जो रासायनिक अभिक्रिया में जो परमाणु हैं उनको यहाँ पे ना बनाया जा सकता है, न ही उनको नष्ट किया जा सकता है, लेकिन आवश्यकता के अनुसार, और डिपेंड करता है यानी निर्भर करता है कि हम वहाँ पे कौन सा केमिकल, कौन सा रसायन ले रहे हैं, तो वो जो परमाणु होगा वो अपने आप को पुनर्व्यवस्थित कर लेगा, लेकिन वो कभी भी नष्ट नहीं होगा। पुनर्व्यवस्थित का मतलब है वो चाहे तो अपनी अवस्था चेंज कर लेगा, ठीक है, चाहे तो वो अपने जो जिसके साथ वो मिलके बना हुआ है अब वो दूसरे के साथ मिलके बॉन्ड बना लेगा। वो सब बातें आप पढ़ेंगे जब मैं आपको आगे केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा, ठीक है जी। देखो भाई, लिखा हुआ है ये केवल रासायनिक अभिक्रियाओं में पुनर्व्यवस्थित होते हैं, यानी कि ये क्या होंगे यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ पुनर्व्यवस्थित होंगे, यानी कि ये क्या हो सकते हैं यहाँ पे, ये नष्ट नहीं हो सकते, ये सिर्फ पुनर्व्यवस्थित हो सकते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो परमाणु होंगे वो नष्ट नहीं होंगे और वो बन भी नहीं सकते, जो है वही रहेंगे। तो ये सब था किसके बारे में, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में, जिन्होंने जिसमें उन्होंने बता दिया कि जो द्रव्य है वो क्या है, परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है, और वो जो परमाणु है वो क्या है, अविभाज्य कण है।
लेकिन इस थ्योरी के बाद में आप देखेंगे कि जब मैं परमाणु संरचना आपको चैप्टर नंबर 2 पढ़ाऊंगा तो उसमें आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, न्यूट्रॉन की खोज हुई, प्रोटॉन की खोज हुई, उसके बाद में ये वाला जो सिद्धांत था उसको नकार दिया गया, यानी कि परमाणु अविभाज्य है इस बात को नकार दिया गया। परमाणु द्रव्यमान के बारे में आपने पिछली क्लास में पढ़ा था, डोल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या होता है, यानी कि आपने वहाँ पर परमाणु के बारे में जाना था। परमाणु का नाम है एटम, परमाणु को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, एटम बोला जाता है। यदि हम परमाणु की बात करें तो उसका भी कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, ठीक है जी, कम ही हो लेकिन उसका भी द्रव्यमान होगा। आपने देखा कि जो पदार्थ है वो क्या है, छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना हुआ रहता है। अब यदि मैं बात करता हूँ पदार्थ की, तो पदार्थ में बहुत सारे परमाणु रहेंगे। अब बहुत सारे जो परमाणु रहेंगे वो क्या होंगे, वहाँ पे छोटे छोटे रहेंगे। अब आपने ये भी बात जानी कि परमाणु जो है अविभाज्य है, अभी तक इलेक्ट्रॉन की खोज हुई नहीं है, अभी तक आपने ये जाना है कि जो परमाणु है वो क्या है, अविभाज्य है, यानी कि परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी आप यहाँ पे एक बात देखेंगे, परमाणु को यदि विभाजित नहीं किया जा सकता है तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि परमाणु जो है वो बहुत ही छोटा होना चाहिए, यानी कि परमाणु का जो द्रव्यमान है वो बहुत ही कम होना चाहिए। तो वह द्रव्यमान कम तो होता है लेकिन वो कुछ ना कुछ तो रहेगा, ठीक है जी। बात करें यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान की, तो परमाणु द्रव्यमान को एक मात्रक द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा, उसको लिखा जाएगा AMU। क्या लिखा जाएगा, AMU लिखा जाएगा, लेकिन आजकल इसको U भी लिख दिया जाता है। क्या लिख दिया जाता है, इसको U भी लिख दिया जाता है। किसी भी परमाणु का द्रव्यमान आप निकाल रहे हैं तो उसका जो मात्रक है उसकी जो इकाई है वो कितनी देनी है, AMU, या फिर उसको आप सरल भाषा में U भी लिख सकते हैं। तो ये देखिए, यदि हम बात करें, परमाणु अत्यंत छोटे होते हैं जिससे इनके परमाणु द्रव्यमान बहुत ही कम होते हैं। यदि हम बात करें वर्तमान में परमाणु द्रव्यमान सही सही ज्ञात करने के लिए एक तकनीक जो यूज़ की जाती है वो कौन सी है, द्रव्यमान स्पेक्ट्रम मिति। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि वर्तमान में जो परमाणु है उसका द्रव्यमान निकालने के लिए कौन सी तकनीक यूज़ की जाती है, कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो आपका आंसर होना चाहिए द्रव्यमान स्पेक्ट्रम मिति का उपयोग किया जाता है, ठीक है जी। अगली हम बात करें यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान की, तो परमाणु द्रव्यमान में आधार किसको बनाया गया है, जैसे कि आप देखते हैं कि यदि हम बात करें किलोग्राम की, ठीक है जी, किलोग्राम की यदि हम बात करें तो एक केजी क्या है, तो आप बोलेंगे सर बहुत दूर देश में एक बहुत ही बड़ा सिलेंडर रखा हुआ है, एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे सिलेंडर रखा हुआ है, इरिडियम का यहाँ पे एक सिलेंडर रखा हुआ है, उस इरिडियम के सिलेंडर का जो वजन है उसके आधार पे यहाँ पे आज हम बोल पाते हैं कि हाँ ये 1 किलो है, ये 2 किलो है, ये 22 ग्राम है, ये 23 ग्राम है। यानी उस चीज़ को उन्होंने 1 किलो बोल दिया और उसके आधार पर ही इन सब चीज़ों को क्या कर दिया गया, उसके आधार पर ही इनको यहाँ पे वजन दिया गया, इनके आधार पर ही इनको द्रव्यमान दिया गया है। यदि हम बात करें यहाँ पे परमाणु की, तो उसको भी एक परमाणु का आधार बनाया गया है और वो कौन सा है, कार्बन 12। यदि हम बात करते हैं यहाँ पे, तो परमाणु द्रव्यमान का जो मानक है, परमाणु द्रव्यमान का जो आधार है वो क्या रहेगा, कार्बन 12, इसको आधार बनाया गया है। यदि हम बात करें तो कार्बन 12 क्या है, एक समस्थानिक है, ठीक है जी, जिसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 12 AMU होता है, तथा शेष तत्वों को भी परमाणु द्रव्यमान, शेष तत्वों के परमाणु द्रव्यमान को भी इसके सापेक्ष बोले तो इसको आधार मान करके बनाया जाता है, या फिर उनको उनका जो द्रव्यमान है बताया जाता है, ठीक है जी। तो ये सब था किसके बारे में, परमाणु द्रव्यमान के बारे में। दूसरी चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि इसकी इकाई क्या है, AMU, और क्या है, U, ठीक है जी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, जुड़े रहिए मिशन ज्ञान के साथ में, धन्यवाद। बच्चों, आज का अगला पाठ कक्षा 12 में रसायन विज्ञान विषय में घनीय इकाई कोष्ठिका के प्रकार संकुलन क्षमता SCC। अब मैं बात करता हूँ घनीय इकाई सेल की। यदि घनीय इकाई सेल की हम बात करें तो घनीय इकाई सेल 3 प्रकार के होंगे। सबसे पहला जो आपने पढ़ा था सरल घनीय इकाई सेल, दूसरा अंतः केंद्रित, और तीसरा फलक केंद्रित। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे एक गायब है, कौन सा, एंड सेंट्रल यूनिट सेल, यानी कि अंतः केंद्रित इकाई कोष्ठिका। अगर मैं उसकी बात करता हूँ तो वो घनीय इकाई सेल नहीं होती है। हमारे सिलेबस में 3 ही हैं और ये 3 की हमें क्या पढ़नी है, संकुलन क्षमता पढ़नी है। इन 3 की ही संकुलन क्षमता आपके एग्जाम्स में पूछी जाती है। अब रिवीजन करा देते हैं एक बार से। पिछली क्लासेस में आपने देखा था सर घनीय इकाई सेल की हम बात करें, सरल घनीय इकाई सेल यानी कि प्रिमिटिव यूनिट सेल की, तो उसमें क्या होता है सर, 8 कोनों पर एक एक अवयवी कण उपस्थित होगा।
अच्छा जी, अगली हम बात करना चाहें यहाँ पे कि सर अंतः केंद्रित क्या होता है। तो अंतः केंद्रित आप देख लीजिएगा, अंतः केंद्रित में कोनों पर तो उपस्थित होगा ही होगा, साथ में एक केंद्र पर भी उपस्थित होगा। और फलक केंद्रित में क्या होगा सर, फलकों के केंद्र पर भी उपस्थित होगा, कोनों पर तो है ही, कोनों पर तो होना ही है। ठीक है जी, अब बात करते हैं यहाँ पे कणों के योगदान की। मान लीजिए कि एक क्यूब है, अब उस क्यूब के ऊपर हम क्या रखते हैं, एक बॉल रख देते हैं। तो आप बोलेंगे सर उस कोने पर जो है ना वो बॉल क्या होगी, पूरा का पूरा उस कोने पर ही थोड़ी चिपकी रहेगी, उसका कुछ हिस्सा पीछे निकल रहा होगा, उसका कुछ हिस्सा आगे निकल रहा होगा, आजू बाजू निकल रहा होगा, ऊपर नीचे निकल रहा होगा। यानी कि सर पूरा का हम ऐसा नहीं बोल सकते कि उस एक क्यूब में जो वह गोला है ना, यानी कि जो बॉल है वो पूरी की पूरी उसमें आ रही है, नहीं, उसका कुछ हिस्सा बाहर भी होगा। यानी कि उसका जो योगदान है वहाँ पे कितना रहने वाला है, यदि मैं कोने पे रखता हूँ, यदि मैं किसी क्यूब के कोने पर बॉल रख देता हूँ, तो आप बोलेंगे सर पीछे भी रहेगा, इधर भी रहेगा, ऊपर भी रहेगा, नीचे भी रहेगा, यानी सभी तरफ से, यानी कि बात की जाए वहाँ पे, तो बात ये निकलेगी कि सर 8 इकाई सेल द्वारा ये एक गोला साजित होगा। यानी कि सिर्फ एक के ऊपर नहीं रखा है, उसको साझा करने वाले कितने इकाई सेल हैं, कितनी मात्रक कोष्ठिकाएं हैं, तो उनकी संख्या कितनी होगी, 8 होगी। और 8ों को वहां पे बराबर बराबर बोल का हिस्सा मिलेगा, और 8ों को यदि बराबर बराबर बोल का हिस्सा मिल रहा है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि एक इकाई कोष्ठिका यानी कि एक इकाई सेल को वहां पे कितना पार्ट मिल रहा है अवयवी कण का, तो आप बोलेंगे सर 1/8 पार्ट मिल रहा है। यानी कि बात बिल्कुल सही है, घन के कोनों पर उपस्थित प्रत्येक अवयवी कण 8 एकक कोष्ठिकाओं द्वारा, 8 इकाई के द्वारा साजित होते हैं, अतः इसका प्रत्येक इकाई सेल में योगदान 1/8 का होता है, 1/8 का होता है। पहली बात क्लियर है, चलो जी आगे बढ़ें। अच्छा जी, अब बात कर रहे हैं हम किसकी यहाँ पे, फलक के केंद्र की। आप बिल्कुल इमेजिन कीजिए, जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो आप इमेजिन कर सकते हैं। यदि मैं फलक केंद्र की बात करता हूँ, फलक केंद्र की यदि बात की जाए, तो आप एक बार आपको डायग्राम के थ्रू मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। मान लीजिए ये कोई यहाँ पे एक क्यूब रखा हुआ है, क्या बोला मैंने यहाँ पे, कोई एक क्यूब यहाँ पे रखा हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, इस क्यूब को यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे इस क्यूब की, तो इस क्यूब में क्या किया मैंने यहाँ पे, इस क्यूब के फलक पर, यानी कि फलक कौन सा हुआ, यही हुआ, इस क्यूब के फलक पर यदि मैं कोई बॉल रख देता हूँ, इस क्यूब के फलक पर यदि मैं कोई बॉल रख देता हूँ, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा सर, आप बोलेंगे सर ये जो बॉल रहेगी ना ये वाली, वो क्या होगी यहाँ पे, यदि मैं इस बॉल को यहाँ पे रखता हूँ तो किस तरह से आपको यहाँ पे नज़र आने वाली है, ध्यान से देखना। यदि इस बॉल की हम बात करते हैं, तो ये बॉल आपको शायद इस तरह से नज़र आएगी, इसको मैं हटा देता हूँ, ये बॉल आपको यहाँ पे इस तरह से नज़र आएगी, ठीक है, ये वाली, ये यहाँ पे आपको इस तरह से नज़र आएगी। और इसको और अच्छे से बनाना चाहें तो ये लो, चलो जी आ गई बात समझ में। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे, अब मैंने क्या किया कि एक और क्यूब लिया, और इस क्यूब को मैंने क्या किया, इसको बिल्कुल यहाँ पे चिपका दिया, एक और मैंने ये वाला क्यूब लिया, और इस क्यूब को मैंने क्या किया यहाँ पे, इसको चिपका दिया। अब जैसे ही मैं इस क्यूब को इधर चिपकाता हूँ, तो आप देखेंगे सर जो ये वाली बॉल है ना, जो ये वाली बॉल है वो क्या हो रहा है, आधी तो इस वाले फलक में जा रही है, आधी तो इस वाली इकाई सेल में जा रही है, और आधी इस इकाई सेल में जा रही है। यानी कि सर यदि मैं फलक के केंद्र पर, यदि मैं फलक के केंद्र पर कोई बॉल रख देता हूँ, तो वह क्या होगा, एक इकाई सेल में नहीं, वो 2 इकाई सेल में विभाजित हो गई। यानी कि एक अवयवी कण कितने में विभाजित हुआ, तो आप बोलेंगे सर 2 इकाई सेल में विभाजित हो गया। इसलिए यहाँ पे एक बात बोली जा सकती है कि सर यदि फलक के केंद्र की बात की जाए, तो वहाँ पे जो योगदान होता है वो कितना होता है भाई मेरे, 1/2 होता है। यानी कि जो योगदान होगा भाई वो कितना होने वाला है, 1/2 होने वाला है। तो दूसरी बात क्लियर है। अच्छा जी, अब तीसरी बात की जाए सर, क्यूब है, ठीक है, अब मैं यदि केंद्र पर रख रहा हूँ, जैसा कि आपने देखा था केंद्र पर जो रखता हूँ, यानी कि BCC की बात हो रही है, और जो दूसरी बात थी वो किसकी थी, FCC की बात थी। अच्छा जी, और पहली वाली बात किसकी थी, SCC, ठीक है जी। अब इसकी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे BCC की, तो आप देखेंगे सर यदि मैं यहाँ पे किसी क्यूब के केंद्र पर यदि रख देता हूँ ना अंदर, तो वो तो किसी और दूसरे इकाई सेल से विभाजित नहीं हो रहा, यानी कि उसका जो पूरा योगदान किसके पास में जाएगा, जिस इकाई सेल के केंद्र पर अवयवी कण रखा हुआ है वो सिर्फ उसी का रहेगा, उस पर किसी और का अधिकार नहीं होगा। यानी कि बात बोली जा सकती है कि सर यदि BCC की बात की जाए, तो BCC में क्या होगा मेरे भाई, जो अवयवी कण होगा वो किसी भी इकाई सेल द्वारा साझित नहीं होगा। क्या इतनी बात क्लियर है, पक्की बात है। अच्छा जी, अब यहाँ पे बात की जाए किनारों की,
यदि किनारों की बात आए तो किनारों पे भी आप बिल्कुल इमेजिन करके देख सकते हैं, यदि एक किनारे पे मैं बोल रख देता हूँ तो एक उधर हो जाएगा, एक ऊपर हो जाएगा, एक इस वाली साइड पे, एक नीचे तो है ही सही, तो वो कितना पार्ट हो जाएगा वहाँ पे 1/2, और इसका कितने रहने वाला है यहाँ पे 1/4, इसका 1/2, और यहाँ पे इसका तो पूरा योगदान रहेगा, यानी कि जो अवयवी कण है वो उसी में रहेगा जिसमें हमने रखा हुआ था। ठीक है जी, बड़े आगे चलो जी, अब मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे इसकी सिंपल क्यूबिक सेल को आप देखेंगे। यदि मैं सिंपल क्यूबिक सेल की बात करता हूँ यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि सर ये तो पूरा का पूरा क्या है, यहाँ पे एक जालक है, यानी कि एक लेटिस दिया हुआ है। यदि मैं यहाँ पे सिर्फ इस वाली की बात करता हूँ जो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, यदि मैं सिर्फ इस वाले की बात करूँ यानी कि इस वाली मात्रक कोष्ठिका की बात करूँ, तो किस तरह से नज़र आएगी? आप बोलेंगे सर ये वाली मात्रक कोष्ठिका मुझे नज़र आ रही है, ये वाली। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि सर यहाँ पे मैंने कोने पे रखा हुआ है, कोने पे जो रखा हुआ ना वो इधर भी हो रहा है, इस वाले में भी हो रहा है, ऊपर भी हो रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, यानी कि 8 यूनिट सेल से, दो पीछे भी है, दो ऊपर भी है, एक इधर भी है, ठीक है, और आगे पीछे भी है, यानी कि 8 जगह पे ये डिवाइड हो रहा है। यानी कि बात ऐसी की जाए तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि सर यदि बात करें तो कोनों की हम बात करते हैं तो कोनों पे क्या है यहाँ पे 1/8 हो रहा है, ठीक है, योगदान, तो योगदान कितना हो रहा है 1/8 हो रहा है। और आप बोलेंगे सर ऐसे जो रहेंगे ना वो क्या होंगे प्रत्येक पे, यानी कि ये देखो यहाँ पे एक तो ये रखा हुआ है, एक में यहाँ पे रख दूँ, एक में यहाँ पे रख दूँ, एक यहाँ रख दूँ, एक यहाँ रख दूँ, एक यहाँ रख दूँ, एक यहाँ रख दूँ, तो आप बोलेंगे सर आपने यहाँ पे 8 अवयवी कण रख दिए, 8 गोले रख दिए, तो एक का योगदान कितना है 1/8, तो 8 का कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 1/8 × 8 बराबर कितना आ जाएगा 1, इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि बात की जाए यहाँ पे तो सिंपल क्यूबिक सेल में जो कुल अवयवी कण रहेंगे टोटल निकालें तो वह कितने आ जाएंगे 1 आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 8 अवयवी कण हैं और एक का योगदान कितना है 1/8, तो 8 का कितना हो गया 1। ये उसी प्रकार से है, एक टॉफी यदि आती है कितने की 1/2 की, तो आप बोलेंगे सर 4 टॉफी कितने की आएगी, तो आप बोलेंगे सर 1/2 को क्या करो आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 2 रुपये की टॉफी आ गई, पक्की बात है। चलो जी बड़े आगे, हाँ जी ये किसकी बात हो गई थी अभी तक सिंपल क्यूबिक सेल की। अब अगली कहानी बताऊंगा यहाँ पे किसकी, BCC यानी कि बॉडी सेंट्रल यूनिट सेल। अच्छा तो आप बोलेंगे सर कोनों पर तो उपस्थित है ही सही, कोनों पर तो उपस्थित रहेंगे ही सही, लेकिन इसके केंद्र पर भी एक यहाँ पे गोला उपस्थित होगा। अब जो ये वाला गोला है, ये वाला जो अवयवी कण है उसका तो सिर्फ इसी के पास है अधिकार, ठीक है, कोई और इकाई सेल इसको यहाँ पे साझित नहीं कर सकता क्योंकि ये क्या है केंद्र पर उपस्थित है, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है ना क्यूब इसके अंदर घुस जाएगा, ऐसे जो संरचना है अजीब हो जाएगी, क्रिस्टल रहेगा नहीं वो, ठीक है, एमॉर्फस वहाँ पे वो बन जाएगा। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि सर एक तो क्या है केंद्र पर उपस्थित है, यदि मैं अवयवी कणों की संख्या निकालूं, ये क्या है कुल अवयवी कण कितने हो जाएंगे, एक तो इसके केंद्र पर आ गया, उसका तो पूरा कितना रहेगा 1 योगदान रहेगा, यानी कि 1 रहेगा वो तो, और यहाँ पे कोनों पर जो उपस्थित हैं उनका 1/8 होता है, लेकिन 8 हैं तो कितना आ जाएगा 8 × 1/8, और 8 से 8 कैंसिल करने के बाद में कितना आ गया 1, और 1 को 1 के साथ यहाँ पे प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। यानी कि बात की जाए यहाँ पे तो अवयवी कणों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी भाई मेरे, 2 हो जाएगी। किस में? तो आप बोलेंगे सर BCC में अवयवी कणों की कुल संख्या कितनी आ गई, 2 आ गई। अच्छा जी लिखते रहिएगा, यदि मैं SCC की बात करता हूँ तो SCC में कितनी आ रही थी 1, अच्छा जी BCC में कितनी आ रही है, तो आप बोलेंगे सर 2। अब आगे हम बात करते हैं अगली किसकी, FCC की। अच्छा जी FCC की हम बात करें तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे क्या हो रहा था कि सर कोनों पर तो उपस्थित है ही सही, यानी कि 1/8 मल्टीप्लाई विद 8 तो आएगा ही आएगा, क्यों, क्योंकि सर ये कोनों पर तो रहेंगे ही सही, यहाँ तो ये तो कहीं जाने वाले नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा ये वाला हो गया, ठीक है, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ठीक है, इधर वाले फलक पे हो गया, उधर वाले फलक पे हो गया, ठीक है, आई बात समझ में, यानी कि ये फलक पर है, यहाँ पे जो लिखा है ना मैंने ये पूरा का पूरा फलक पर आ रहा है, यानी नीचे वाले फलक पे, ऊपर वाले फलक पर। तो आप बोलेंगे सर फलक पर, यहाँ पे फलक की हम बात करते हैं, फलक वाले जो रहेंगे ना 1/2 उनका योगदान होता है, और टोटल फलक कितने हैं, तो आप बोलेंगे सर 6 फलक हैं, तो मैं क्या करूँगा 1/2 को 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सर टोटल फलक 6 हैं तो क्यों कर रहे हो, क्योंकि 6 के 6 पे एक एक अवयवी कण उपस्थित हैं, यानी कि 6 अवयवी कण उपस्थित हैं, प्रत्येक का योगदान कितना है 1/2, तो 1/2 को आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कितना देंगे उत्तर, सर ये तो 3 हो गया, और 8 × 1/8 तो आपका आना है, ये तो कहीं भी नहीं जाएगा, ये कितना आ जाएगा 1, तो ये कितना आ जाएगा भाई मेरे यहाँ पे 4 हो जाएगा। अच्छा जी
अब यहाँ पे बात करें तो पूरा समराइज हम कर सकते हैं यहाँ पे FCC कितना आ गया भाई यहाँ पे ये 4। तो आज के बाद आपको ध्यान रखना है कि FCC में कितने रहेंगे, तो आप बोलेंगे फटाफट से 4 अवयवीकरण। अच्छा जी, यदि मैं बात करता हूँ BCC की तो वहाँ कितने रहेंगे, तो आप बोलेंगे सर 2। अच्छा SCC की बात की जाए तो वहाँ पे कितने रहेंगे भाई मेरे, 1 अवयवीकरण उपस्थित होगा। अब अवयवीकरणों को निकालने की आवश्यकता कहाँ पर आ गई, जब हम यहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे, यानी कि जब संकुलन क्षमता निकालेंगे तब यहाँ पे इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो आप बोलेंगे सर संकुलन क्षमता क्या है। अच्छा जी, आप एक बात देखिए, यहाँ पे एक आपको क्रिस्टल नज़र आ रहा होगा, एक मात्रक कोष्ठिका यहाँ पे नज़र आ रही होगी। तो आप देख रहे हैं सर यहाँ पे ये वाला कोना है, मान लीजिए ये वाला कोई कोना है, ठीक है। इसके यहाँ पे क्या है, एक गोला रखा हुआ था, एक क्या है यहाँ पे अवयवीकरण रखा हुआ था। तो उसने क्या किया कि इसके अंदर जो आएगा ना वो कितना आएगा, 1/8, यानी कि ये 1/8 है, ठीक है। और यहाँ पे इस तरीके से क्या होगा कि चारों तरफ मतलब आठों कोनों पे रखे हुए हैं। तो आप देखेंगे कि सर ये तो रखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे जो ये स्पेस छूट रहा है ना, यानी कि जो स्थान यहाँ पे जा रहा है खाली, वो कौन सा वाला है। तो आप बोलेंगे सर ये वाला स्थान जो है ना वो खाली हो गया, और जो बाकी है ना वो पूरा का पूरा स्थान भरा हुआ है। यानी कि बात ऐसी कही जा सकती है कि सर अवयवी कण क्रिस्टल का, या फिर बोल सकते हैं मात्रक कोष्ठिका का जितना आयतन घेरते हैं उसी को क्या बोला जाता है मेरे भाई, पैकिंग एफिशिएंसी, यानी कि संकुलन क्षमता बोला जाता है। तो आप बोलेंगे सर इस प्रकार से हम तीनों जो घनीय इकाई सेल हैं उनकी संकुलन क्षमता निकाल सकते हैं। उसका कोई फॉर्मूला होगा और वो पढ़ेंगे हम अगली क्लास में, और ये वाली चीज़ वहाँ पे काम आने वाली है, अवयवी कणों की संख्या। तो आप इसको एक बार फिर से देख लीजिए कि सर SCC में 1, BCC में 2, FCC में कितनी 4, और आप इसको फिर से देख सकते हैं FCC में कितनी आ गई 4 आ गई, BCC की बात करते हैं तो 2 बिल्कुल सही है, SCC की हम बात करें तो 1 बिल्कुल सही है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये सब अगली क्लास में काम आने वाले हैं। जैसा कि आपको मैंने पिछले क्लासेस में संकेत दे दिया था कि संकुलन क्षमता क्या होती है, यानी कि जो प्रभावी कण, यानी कि जो अवयवी कण मात्रक कोष्ठिका का जितना आयतन घेरते हैं उसे ही क्या बोला जाता है भाई मेरे यहाँ पे, संकुलन क्षमता। जिस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं एक डायग्राम में कि एक मात्रक कोष्ठिका यानी कि एक क्यूब आपके सामने यहाँ पे रखा हुआ है। अब इस मात्रक कोष्ठिका में आप क्या देखते हैं कि सर इस वाले कोने की यदि हम बात करते हैं तो इस वाले कोने में क्या हो रहा है कि सर ये एक यहाँ पे अवयवी कण है जिसका कितना भाग है। तो आप बोलेंगे सर इसका 1/8 भाग होगा, क्योंकि पिछली क्लासेस में आपने देखा था कि जो कोने पर उपस्थित होते हैं वो क्या करते हैं, एक मात्रक कोष्ठिका के साथ में 1/8 भाग साझित करते हैं। यानी कि एक अवयवी कण क्या करेगा, 8 मात्रक कोष्ठिकाओं के साथ में वहां पे विभाजित रहेगा, साझित रहेगा, पक्की बात है। अब आप देखते हैं कि दूसरा वाला यहाँ पर है, तीसरा वाला यहाँ पर है और यहाँ पर है, लेकिन आप यहाँ पे एक चीज देख पा रहे हैं कि सर जो ये बीच का गैप जो बच गया ना, ये वाला, यानी कि ये जो गैप बचा है, ये जो गैप बचा है वो क्या होगा, यहाँ पे तो कुछ गैप बच गया। अब मात्रक कोष्ठिका में ये गैप बच गया है और कुछ जो यहाँ पे स्थान है ना वो किसने घेर लिया, यहाँ पे इन अवयवी कणों ने घेर लिया। अब जितना अवयवी कणों ने यहाँ पे स्थान घेरा है, जितना आयतन घेरा है, उसी को क्या बोला जाएगा भाई मेरे, संकुलन क्षमता। तो आइए स्टार्ट करते हैं। संकुलन क्षमता की परिभाषा यदि आपके एग्जाम में आती है तो आप किस तरह से लिखेंगे, क्रिस्टल जालक में अवयवी कण क्रिस्टल जालक का जितना स्थान घेरते हैं, जितना आयतन घेरते हैं, उसी को क्या बोला जाता है भाई मेरे, यहाँ पे संकुलन क्षमता बोला जाता है। जैसा कि आपको पता है पिछली क्लासेस मैंने आपको बता दिया था कि जितने भी डिफरेंट टाइप के मात्रक कोष्ठिका है, यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार की मात्रक कोष्ठिकाएं हैं, उनमें अवयवी कणों की संख्या अलग अलग होती है। जैसा कि आपको पता है कि SCC की यदि मैं बात करता हूं तो वहां पे क्या होता है कि 8 कोने होते हैं और 8 कोनों पे एक एक अवयवी कण होता है, और प्रत्येक अवयवी कण का जो योगदान होता है वो कितना होता है भाई मेरे, 1/8 होता है। तो 8 अवयवी कणों का कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर रिजल्टेंट परिणामी रूप से एक अवयवी कण है, 1/8 को आप 8 से गुणा कीजिए, आपका 1 ही आता है। अच्छा जी, अगली मैं बात करना चाहूंगा प्यारे बच्चों, तो वो रहेगी BCC, बॉडी सेंट्रल यूनिट सेल। अब इसकी हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि एक क्यूब रहता है, जैसा कि आपको पता है एक घन रहता है, उसके अंदर क्या होता है, उसके केंद्र पर, फलकों पे, कोनों पर नहीं, उसके केंद्र पर क्या होता है, एक अवयवी कण होता है। और वो किसके द्वारा साजित होता है, तो आप बोलेंगे सर वो किसी के द्वारा साजित नहीं होगा, उस पर सिर्फ उसी मात्रक कोष्ठिका का अधिकार रहेगा जिसमें वो अवयवी कण उपस्थित है। यानी कि उसका जो वहां पे प्रभाव जो रहेगा वो क्या रहेगा, पूरा का पूरा रहेगा। अच्छा जी, और कोनों पर तो रहना ही रहना है, कोनों की तो बात ही नहीं है, ठीक है जी, यानी कोनों पर 1/8 × 8 तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है जी। अगली हम बात करते हैं यहाँ पे FCC की, यानी कि फलक केंद्रित कोष्ठिका की।
अब फलक की यदि हम बात करते हैं तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर आठों कोनों पर तो है ही सही, यानी कि 1/8 × 8 तो होगा ही होगा और वो बिल्कुल हो रहा है। और आपको जैसा कि पता है कि फलक के केंद्र पर यदि कोई अवयवी कण रखा हुआ है तो वह दो मात्रक कोष्ठिकाओं के साथ में अपने आप को साजित करेगा, यानी कि उसका जो योगदान रहेगा वो एक मात्र कोष्ठिका में कितना रहेगा मेरे भाई, 1/2 का योगदान रहेगा। अच्छा फलक कितने होते हैं, तो आप बोलेंगे सर 6 फलक होते हैं, तो 6 फलकों में कितना योगदान हो गया, तो आप बोलेंगे सर 1/2 को आप 6 से गुणा कर दीजिए आपका 3 आ जाएगा, और 3 को आप 1 से जोड़ते हैं तो वहां पे कितना आ जाएगा, वह 4 आ जाएगा। और इसी प्रकार से इसका कितना मिला था, 2 मिला था। अब ये जो रहेंगे ना, ये रहेंगे क्या, अवयवी कणों की संख्या, प्रभावी संख्या इन्हें बोला जा सकता है। अब ये हमें ध्यान क्यों रखने हैं, क्योंकि संकुलन क्षमता का जब हम यहाँ पे सूत्र डिराइव करेंगे, यानी कि सूत्र जब हम यहाँ पे देखेंगे तो उसमें ये चीज पूछी जाएगी, क्योंकि जब हमें अवयवी कणों की संख्या ही पता नहीं है तो हम उसका आयतन कैसे निकालेंगे, संकुलन क्षमता कैसे निकालेंगे। यदि संकुलन क्षमता की बात आती है तो संकुलन क्षमता का बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला, सुंदर सा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। यदि आप मैथ बैकग्राउंड से नहीं है तब भी आप इसको देख सकते हैं, और मैथ बैकग्राउंड से है तब भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यह फॉर्मूला बना कैसे है। एकक कोष्ठिका का आयतन नीचे लिखा हुआ है, यानी कि जो पूरा क्यूब जो बना रहेगा उसका आयतन क्या है, नीचे है, और यहाँ पे ऊपर किसका आयतन लिखा हुआ है, अवयवी कणों का आयतन लिखा हुआ है। सर इसका आयतन तो पता चल जाएगा कि एकक कोष्ठिका का क्या आयतन होता है, क्योंकि क्यूब होता है पक्की बात है, और वहां पे यदि आपको भुजा पता है तो आप सीधा आयतन निकाल देंगे, बोल देंगे सर a क्यूब, ठीक है। लेकिन यदि मैं बात करता हूं यहाँ पे अवयवी कणों के आयतन की, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सर आयतन के लिए पहले शेप पता होना चाहिए, शेप कैसा है, तो प्यारे बच्चों एक बात ध्यान रखना, जो अवयवी कण होता है वो क्या होता है, यहाँ पे गोला होता है, क्या होता है भाई मेरे, गोला होता है, पक्की बात है। अब एक बात बताओ आप यहाँ पे, यदि अवयवी कणों की बात करते हैं तो सभी अवयवी कण जो है क्या यहाँ पे समान त्रिज्या के हैं क्या, बिल्कुल सही बात है। अब यदि मैं एक अवयवी कण का आयतन निकाल करके उसको यदि जितने अवयवी कण हैं उससे मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या मेरी बात बन जाएगी क्या, तो आप बोलेंगे बिल्कुल सही सर। तो आप एक काम कीजिए, अवयवी कणों का आयतन निकालने के लिए एक काम करते हैं, अवयवी कणों की संख्या को हम क्या करेंगे, एक कण के आयतन से गुणा कर देंगे। और आपको पता है अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था अवयवी कणों की संख्या अलग अलग रहेगी, एससीसी में ये रहेगी, बीसीसी में ये और एफसीसी में ये, 1, 2, 4 इसको ध्यान रखें, 124 पक्की बात है। अच्छा जी आगे आप देखेंगे सर अवयवी कणों की संख्या आ जाएगी, ये आ जाएगी, एक कण का आयतन कैसे निकलेगा, तो भैया मैंने अभी बताया है कि इसको यदि आप गोला माने, ये गोला ही तो है, गोले का आयतन क्या होता है, तो आपको बताना चाहिए 4/3 πr³, जहां पे r क्या है, इस गोले की त्रिज्या है, पक्की बात है, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है। और यहाँ पे जो संकुलन क्षमता होती है भाई मेरे, वो किस में होती है, परसेंटेज में होती है। और आपको पता है कि परसेंटेज में यदि कोई चीज लानी हो तो आप एक काम करेंगे 100 से उसको गुणा कर देंगे, यानी कि 100 पे उस चीज की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है जी। तो आपका सीधा सीधा फॉर्मूला बन गया अवयवी कणों का आयतन अपॉन एकक कोष्ठिका का आयतन गुणा 100। अब चीजें इस तरह से बिल्कुल पैटर्न से निकाल ली हैं, अब एक एक काम करके हम एक काम करेंगे कि जितनी भी मात्र कोष्ठिकाएं यहाँ पे तीनों दी हुई है उनकी संकुलन क्षमता निकाल लेंगे। लेकिन उसके पहले एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए कि एससीसी की हम बात करते हैं तो वहां पे जेड बराबर कितना होता है, 1, और यहाँ पे यदि बीसीसी की बात की जाए जेड बराबर 2, और यदि यहाँ पे एफसीसी की बात की जाए जेड बराबर 4, तो 4, 2, 1 ये क्या है, ये है अवयवी कणों की संख्या, यानी कि अवयवी कणों की संख्या को आज के बाद हम किससे डिनोट करेंगे, तो आपको आंसर आना चाहिए कि सर जेड से इसको डिनोट कर दिया जाएगा, ठीक है जी। और ये ए क्या है भाई मेरे, यहाँ पे जो एकक कोष्ठिका है उसकी विमा, ठीक है जी, यानी कि जो एकक कोष्ठिका, जो मात्र कोष्ठिका है उसकी भुजा की लंबाई क्या है, यहाँ पे ए है। और आर क्या है भाई मेरे, जो अवयवी कण है, जो अवयवी कण है उसकी त्रिज्या है आर, और 4/3 π कॉन्स्टेंट है, 100 कॉन्स्टेंट है यहाँ पे, ठीक है जी, बड़े आगे चलो भाई। अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पे पहली एकक कोष्ठिका हमारी, आद्य एकक कोष्ठिका, जिसे बोला जाता है सिंपल यूनिट सेल, या फिर इसको बोल दिया जाता है SCC, ठीक है जी। अब SCC में क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर जो इसके कोने होते हैं उन पे अवयवी कण उपस्थित होते हैं एक एक, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक एक अवयवी कण यहाँ पे हर कोने पर उपस्थित है, 8 कोनों पर 8 अवयवी कण होंगे। लेकिन क्या सर ये जो कोने हैं यहाँ पर ये किस तरह से विराजमान होते हैं, तो भाई मेरे जो अवयवी कण का जो केंद्र होता है ना वो एक्चुअली यहाँ पे होता है। यदि मैं इसको ओरिजिनल बनाना चाहूँ इसके उसको इसके पूरे डायग्राम को, तो हम ऐसे बना सकते हैं, यदि मैं इसको केंद्र मानता हूँ, ठीक है जी,
तो ऐसे बनेगा ये ऐसे। यदि मैं इसको के अंदर मानता हूँ तो ये कैसे बनेगा भाई मेरे ऐसे, ठीक है। इस सर्कल आप बना लीजिएगा, ये इस तरह से बनेगा। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे थोड़ी सी चिंताजनक बात है, क्या कि सर जो इस पे अवयवी कण है वो ये होगा, जो इस पे अवयवी कण है वो ये होगा, इस वाले अवयवी कण का केंद्र ये है, इस वाले अवयवी कण का केंद्र ये है, और दोनों की जो त्रिज्या है भाई मेरे वो क्या है, समान है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि सर यहां से केंद्र से परिधि तक की जो दूरी रहेगी वही तो त्रिज्या होती है। यदि मैं उसको बोल दूं आर, स्मॉल आर, और इसकी भी समान है, ये भी कितनी हो जाएगी भाई मेरे आर। तो आप बोलेंगे कि सर ये जो आर है ये भी आर है, और यहां से यहां तक की जो टोटल लंबाई है ना वो कितनी हो गई, टू आर हो गई, और यही तो क्या है यहाँ पे मात्रक कोष्ठिका की विमा है, यानी कि उसकी भुजा है, और उसको हमने थोड़ी देर पहले क्या नाम दिया था। तो आप बोलेंगे सर उसको मैंने कितना माना था, ए उसको माना था। अब इसका मतलब ये हो गया कि सर ये जो भुजा है ना वो यदि ए है, ये आर है, ये आर है, यानी कि टू आर हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि सर टू आर बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे मेरे भाई, ए हो जाएगा, जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है नीचे भी इक्वेशन नंबर वन। यदि इसकी मैं बात करता हूं तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, ए बराबर टू आर आ जाएगा, पक्की बात है। जहां पे ए क्या आ जाएगा भाई मेरे, घन की विमा आ जाएगी, घन की विमा, यानी कि जो क्यूब आपके सामने दिया हुआ है उसकी भुजा आपको दे दी गई है, पक्की बात है। अब तो क्या है, अब कुछ भी नहीं है। एस टी सी का मुझे बताया कितनी होती है अवयवी कणों की संख्या, तो आप बोलेंगे सर एक होती है। अच्छा जेड का मान आ गया, आर का मान आ गया, तो अब आप यहाँ पे संकुलन क्षमता का फॉर्मूला लगा सकते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे प्रभावी कणों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई मेरे, जेड बराबर वन। एस सी सी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, जेड एन टू फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब गुणा सो, जेड बराबर वन रख दिया, फोर बाई थ्री वैसा का वैसा, पाई वैसा का वैसा, आर क्यूब वैसा का वैसा। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे ए क्यूब का मान रखने जा रहे हैं। अब ए क्यूब का मान आप किसके पदों में रखिएगा, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो ए है वो कितना है, टू आर है। तो आप देखेंगे कि सर जो ए क्यूब आएगा, जो ए क्यूब आएगा वो कितना आएगा, तो आप बोलेंगे सर टू आर का क्यूब कर दीजिए, यानी कि 8R क्यूब यहाँ पे बना दीजिए, पक्की बात है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे कि A क्यूब का मान कितना रख देंगे यहाँ पे, 8R क्यूब, और यहाँ पे क्या होगा कि R क्यूब से R क्यूब तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये हमने इसीलिए तो किया है कि यहाँ से जो R का जो मान है वो यहाँ से निकल जाए, पक्की बात है। चलो जी अब आप देखते हैं यहाँ पे 4/3 वैसा आया, पाई का वैल्यू कितना रखेंगे आप, 3.14 रखा, ठीक है। 2 का क्यूब करने पे कितना आता है भाई मेरे, 8 आता है गुणा 100। अब आप पॉज करके कैलकुलेशन को कीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए फिर कैलकुलेशन को कीजिए, आपका जो आंसर आ रहा होगा वो कितना आएगा भाई मेरे, 52.4% इसके अप्रोक्स आएगा, यानी कि ये मान लिया जाता है, ठीक है जी। और पीई का मतलब क्या होता है, पीई का सीधा सीधा मतलब होता है पैकिंग एफिशिएंसी, संकुलन क्षमता को इंग्लिश में बोला जाता है पैकिंग एफिशिएंसी, पक्की बात है। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है तो एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, देखना है यहाँ पे फटाफट से। संकुलन क्षमता क्या होती है, तो आप बोलेंगे सर अवयवी कणों का आयतन अपॉन एकक कोष्ठिका का आयतन गुणा 100। अच्छा जी सर आप एक बात बता दो, सर जो अवयवी कणों का आयतन है वो कैसे निकालेंगे, तो एक कण का आयतन निकाल के उसको कणों की संख्या से गुणा कर दो, आयतन आ जाएगा। सर एकक कोष्ठिका का आयतन कैसे निकालेंगे, तो भाई घन का आयतन तो आना चाहिए, क्यों, क्योंकि विमा पता है, तो वो कितना हो जाएगा, विमा का क्यूब, ए का क्यूब, फिर गुणा 100 कर दो, क्योंकि परसेंटेज में होती है संकुलन क्षमता, और उसको परसेंटेज में लाने के लिए क्या किया जाता है भाई मेरे, 100 से गुणा किया जाता है। अच्छा जी अब संकुलन क्षमता का सीधा सा फॉर्मूला देख लेंगे, और यहाँ पे सिर्फ ये वाली चीज चेंज होने वाली है, कौन कौन सी, जेड की वैल्यू जो रहेगी 1, 2, 4 यहाँ पे अलग अलग होती है। अच्छा जी आप यहाँ पे समझ ही गए, इस क्यूब में ये जो होता है ना वो क्या होता है, सेंटर होता है इसका अवयवी कण का, तो अवयवी कण कुछ इस तरह से बनेगा और ये कुछ इस तरह से बनेगा, और दोनों की जो त्रिज्या रहेगी वहां पे क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। फिर फर्दर कैलकुलेशन आप देख लीजिए, सेम टू सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो जी ओके, तो ये बात हो गई किसकी यहाँ पे, सिंपल यूनिट सेल यानी प्रिमिटिव यूनिट सेल यानी कि आद्य एकक कोष्ठिका की। अगली क्लास में बात करेंगे अगली एकक कोष्ठिका के बारे में, उसकी संकुलन क्षमता के बारे में कि उसकी संकुलन क्षमता कितनी आती है। तब तक के लिए जुड़े रहिए मिशन ज्ञान के साथ में, धन्यवाद बच्चों। आज हमने पढ़ा है कक्षा 11 में रसायन विज्ञान विषय में रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, वे कक्षा 12 में रसायन विज्ञान विषय में घनीय इकाई कोष्ठिका के प्रकार संकुलन क्षमता SCC। बच्चों कल हम पढ़ेंगे कक्षा 11 में गणित विषय में समुच्चय भाग 5, वे कक्षा 12 में अंग्रेजी विषय में डीप वाटर भाग 2, हिंदी विषय में कुंवर नारायण। बच्चों हमारे इस कार्यक्रम के कंटेंट पार्टनर हैं मिशन ज्ञान तथा इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग यूनिसेफ,
स्टरलाइट, एड इंडिया फाउंडेशन एवं परमल फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जा रहा है। बच्चों, आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा? अपने सुझाव अवश्य दें। कार्यक्रम से संबंधित आपके सुझाव हमें ईमेल और डाक द्वारा भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है feedback.shikshadarshan2021@gmail.com और डाक का पता है निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, 111 सहेली मार्ग, सहेलियों की बाड़ी के सामने, उदयपुर 313001।